जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्री शेयर को लेकर काफी बड़ी न्यूज आ रही है, चलिए जानते हैं बाजार के स्पॉट्स के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं उसका चार्ट 2331 के आसपास। पिछले 10 महीनों की सबसे बड़ी तेजी आज स्टॉक ने आपको कमाकर दिखा दी है। आज के आज ही लगभग 96 रुपए बढ़ चुका है। आशीष चतुर्मोता बताइए, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर पहले भी काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, अब एक टाइमलाइन सामने निकल कर आ रही है कि May 2 को शेयर होल्डर्स के साथ बैठक है, इवेंचुअली इस एंटिटी को लिस्ट कराने की भी तैयारी होगी, तो May 2 को मेरे ख्याल में और खुलासा होगा बाकी के टाइमलाइन का। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों? गुड आफ्टरनून हर्षदा, तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये स्टॉक हम पोर्टफोलियो में ओन करते हैं, हमारे कोर पोर्टफोलियो में, और जैसा हमें लगता है कि जिस स्टॉक जिस हिसाब से रिलायंस ने एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों में किया और हमने देखा स्टॉक ने करीब करीब 3000 के स्तरों को छूकर एक एक बेस बनाया 2200 के लेवल पे। ये मुझे लगता है टेक्निकली सबसे पहले देखें तो एक बहुत ही बढ़िया बेस 2200-2250 की ट्रेजेक्ट्री में रिलायंस ने बनाया और उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव वॉल्यूम्स के साथ आज रिलायंस ने क्रॉस किया, तो टेक्निकली तो मेरा मानना है कि स्टॉक जल्दी 2500 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आता है। अब जहां तक फंडामेंटल्स का बात है तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो केपेक्स है इन्होंने कहीं ना कहीं अनाउंस किया है, हम जानते हैं हाइड्रोजन सेगमेंट के अंदर में, और साथ ही साथ डीमर्जर की जो बात है वो चाहे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो या साथ ही साथ जो डीमर्जर दूसरे जो इनके कंज्यूमर बिजनेस है वहां पर भी डीमर्जर की बात उठ रही, तो इन सबको सम ऑफ द पार्ट्स आप वैल्यूएशन इनको करके देखे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 3000 तक की आती हुई नजर आती, तो ये जो लेवल पे रिलायंस इस समय ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही बियर केस सिनेरियो पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी स्टॉक ने बनाया जिस तरह से बेस बनाया, और अब जो ये न्यूज फ्लो है इसकी वजह से मुझे लगता है जो ट्रिगर मार्केट वेट कर रहा था वो पहला ट्रिगर इस स्टॉक में आया है, जिसके चलते मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 2500 तक की जगह बनती, बट अगर से कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से स्टॉक को सोचे तो मेरा मानना है 6 से 9 महीने में ये स्टॉक इवेंचुअली ऑल टाइम हाई के लेवल्स को यानी कि 2900-2950 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है।